नमस्कार, 23 की टक्कर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। सतना जिले की हॉट सीटों में से एक महियर में सियासी हाल क्या है, वोटर्स का मूड कैसा है और ग्राउंड जीरो पर क्या है हकीकत, उसे बताएंगे हमारे सहयोगी लोकेंद्र त्यागी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट की टीम पहुंची हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मां शारदा की नगरी मैहर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त चुनावी मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है और वोटर्स का मिजाज किस तरीके का इस बार रहने वाला है ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज ग्राउंड जीरो से। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं मैहर का क्या है चुनावी मिजाज। तेईस की टक्कर में न्यूज स्टेट की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मध्य प्रदेश की सियासत आप लोगों तक पहुंचा रही है। इस सिलसिले में हमारी टीम सतना जिले की मैहर विधानसभा पहुंची। ब्राह्मण बहुल मैहर सीट पर बीजेपी के श्रीकांत चतुर्वेदी उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने धर्मेश घई को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी से इस्तीफा देकर नई पार्टी बनाने वाले मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। तीनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीते चार चुनाव में मैहर का चुनावी समीकरण देखें तो ये सीट किसी भी पार्टी की पारंपरिक सीट नहीं रही। इस सीट पर नारायण त्रिपाठी विधायक हैं, जो साल 2018 में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे। इससे पहले साल 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी नारायण प्रसाद ने जीत हासिल की थी। उससे पहले साल 2008 में बीजेपी के मोतीलाल तिवारी जीते थे। उससे पहले साल 2003 में सपा के प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ने जीत दर्ज की थी। मैहर में विकास की बात की जाए तो ये इलाका विकास की दौड़ में कहीं अछूता नजर आता है, या यूं कहे कि ये इलाका विकास की दौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट गया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में हालात तो यही कहानी बयां करते हैं। अभी तो नहीं, अभी तो बना है, अब होगा जो भी। अच्छा, एक बात बताइए कि श्रमिकों को लेकर बहुत सारी योजनाओं की बात की जाती है, कुछ फायदा मिल रहा है सरकार की योजना का? अरे वही फायदा है, सरकार की योजना का पूरा फायदा मिल रहा है। कौन कौन सी योजना का मिला है? कोई आवास वगैरह मिला है? जी, गल्ला मिल रहा है और महिला को मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है आपको फायदा सरकार? हाँ, मिल रहा है। कैसा काम हुआ मैहर में? मैहर में ठीक काम हुआ है। अभी तो समय भी त्योहार का भी है, चुनाव का भी समय है, काम वाम मिल रहा है ठीक ठाक? ठीक ठाक मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा सर? हाँ, काम नहीं मिल रहा। हम लोग लेबर आदमी यही मिलता है, जो भी मिला दिन भर नहीं मिलता। दिक्कत ये जा रही है सर कि बाहर के लोग यहाँ बिरला जो फैक्ट्री है बिरला सीमेंट वहाँ पर काम चलता है, पर बाहर के लोग काम करते हैं और जो लोकल व्यक्ति है इसी तरह चौराहे में आकर खड़ा हो जाता है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई काम है सर। तो हम तो यही कहते हैं कि जब मैहर जिला ही बन गया है तो लोकल आदमी जो यहाँ वहाँ काम के लिए भटक रहा है तो काम के लिए ना भटके भाई। लोकल आदमी एक फैक्ट्री में कम से कम काम करेगा तो उसका पेट तो चलेगा, है ना। बाहर का आदमी आता है, बाहर का आदमी काम करता है और यहाँ का आदमी लेता ही नहीं है। अच्छा, महीने में कितने दिन काम मिल जाता लगभग? अरे महीने में 10-15 दिन खर्चा चल जाता उससे? कुछ नहीं चलता है सर, कुछ नहीं चलता। खर्चा पानी करना से 10 दिन काम करें, 15 दिन बैठे घर में, क्या चलता? कुछ नहीं चलता, महंगाई सबसे ऊपर है। क्या चाहते हैं सरकार से, चुनावी मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? चुनाव हम ये चाहते हैं सर कि हमको रेगुलर काम मिले यहाँ कंपनी में सर। बाहर की लेबर भर्ती करता है, यहाँ की करता नहीं है, ऊपर महंगाई करे है। अंकल, क्या माहौल बन रहा है मैहर में इस बार? भैया मैहर है एक अपने आप का देवी जी का तो एरिया है। यहाँ बाबा लाउद्दीन खापत में भीषण यहाँ के निवासी थे, तो हमारा मैहर शुक्लेज है। यहाँ कोई जात पात भाषावाद नहीं है। मैहर एक देवी जी को भी मानता है, अलाउद्दीन को मानता है, सियापोस बाबा को मानता है, राम जानकी का मंदिर अखाड़ा 300 एकड़ बड़ा है, इतना बड़ा है। यहाँ सिकुलरिज्म है, कोई जातवाद नहीं है। सुना, जिला बनने से क्या फायदा हुआ मैहर को? मैहर को जिला बनने से पहला काम तो जो हम सतना जाते थे किसी काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए, तो सतना जाना बंद हुआ। दूसरे जहाँ जिला बनते हैं
कमिश्नरी बनती है, स्टेट बनते हैं, वहाँ का विकास होता है अपने आप, क्योंकि सारे अफसर यहाँ होते हैं, सुलभ होता है, विकास जागता है वहाँ पर जहाँ ये बनते हैं। तो मैहर का सब प्रकार से भला है जिला बनने से, और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। समस्याएं क्या हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई? यहाँ की बड़ी समस्या है, पहला स्वास्थ्य। मैहर में 10 आयुर्वेद अस्पताल, 4 एलोपैथिक अस्पताल, किसी में डॉक्टर नहीं। यहाँ 50 किलोमीटर का आदमी मैहर दवा कराने आता है। लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं, सर क्या माहौल नजर आ रहा मैहर में इस बार? मैहर में इस बार चुनाव कुछ अजब किस्म का है। जिला बनाने में अनुरण प्रदर्शन करते रहे, अब बिंद बनाते रहे। वो विकास की काम तो जो हो रहे हैं अपने गति से हो रहे हैं, गौतम जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं है उनका। सब क्या माहौल इस बार मैहर में नजर आ रहा है? मैहर में माहौल सर आज जितने साल देखा जा रहा है तो वो तो नारायण पंडित जी के माध्यम से ही, त्रिपाठी जी 15 सालों से, मेरी इतनी एज तो है नहीं कि मैं बता पाऊँ, पर जितनी भी एज है जो मैं देख रहा हूँ 15 सालों से, तो विकास उन्हीं के उन्होंने ही तो किया है। यदि उन्होंने नहीं किया तो किया किसने है? और अभी कोरोना काल का आप देख लीजिए, जहाँ एक एक सिलेंडर के लिए भटक रहे थे लोग, उन्होंने एक चंदना में लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया था। विकास हुआ है मैहर में? विकास का वादे हुए हैं, विकास तो नहीं हुआ, बहुत कम। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं हैं लाइट की, समय किसानों को बहुत समस्याएं हैं, गाँव में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, पानी की लोग पलेवा लगा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, महंगाई है तो ही है वो तो। तो ये कुछ मूल मुद्दे हैं मैहर के, जिनको लेकर जनता काफी ज्यादा परेशान भी है, और वो ये चाहती है कि केवल वादे ना हो बल्कि काम भी। मैहर की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को मौका दिया। त्योहारी सीजन है तो दुकानों पर भी रौनक देखने को मिल रही है। आम आदमी हो या व्यापारी, त्योहार के बीच राजनीतिक दलों से आस लगाए बैठे हैं कि उनको कुछ राहत मिले। मैहर के घंटाघर चौक पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ बाजार फैला हुआ है। अब ऐसे में व्यापारियों को क्या समस्याएं आ रही है, वो अपने जनप्रतिनिधियों से क्या चाहते हैं, चुनाव में क्या माहौल बन रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या माहौल चल रहा है इस बार? हो गया भाजपा का है यहाँ तो ऐसे नारायण पार्टी का पहले जोर रहता था, और अब उनको दल बदलने से लोग ये है कि यहाँ भाजपा श्रीकांत जी का ज्यादा जोर है। एक बात बताइए, व्यापारियों को क्या समस्याएं आ रही है मैहर? व्यापारियों की समस्या तो मुझे कुछ नहीं है, व्यापारियों का तो सब ठीक है, बाकी जैसे ये रहता है बाजार में इंक्रोचमेंट का ज्यादा वो रहता तो मान लीजिए हमेशा रहती है, ऐसी कोई व्यापारियों की दिक्कत नहीं है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, तो रोजगार के साधन ठीक ठाक हैं? हाँ रोजगार के साधन ठीक है, जब जैसे अब हम लोगों का रोजगार है मेले से कोई ज्यादा वो अपने को नहीं फर्क पड़ता, और रोजगार वालों का जैसे मेले के कारण वहाँ देवी जी में जो है उनको ज्यादा फायदा रहता है। तो बताइए क्या स्थिति है इस बार मैहर की? इस बार तो जैसे जो लाडली बहना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निर्णायक कदम था, और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मार्जिन से जिताने के लिए सार्थक कदम होगा माननीय शिवराज जी का। अच्छा, व्यापारियों की कोई समस्या जो यहाँ पर आप चाहते हैं कि उन पर भी गौर करें जनप्रतिनिधि? व्यापारियों की समस्या है कि जैसे यहाँ पे मेन समस्या पार्किंग की है, मतलब पार्किंग का यहाँ स्थायी एक बड़ी पार्किंग चाहिए, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, और व्यवस्थित बाजार। अभी जैसे बाजार में बहुत अव्यवस्था है, क्या जैसे जो चौपाटियां हैं अभी ये चिन्हित स्थानों पे नहीं लग रही हैं, तो जनप्रतिनिधि यही है कि अगर जो भी आता है वो सबसे पहले बाजार पे ध्यान। ये बार बताइए, मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प है, जो पिछली बार कांग्रेस से लड़े वो इस बार बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो बीजेपी से लड़े उन्होंने नई पार्टी बना ली, तो माहौल क्या लग रहा है? किस वोटरों में थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी, वो मुझे लगता है कुछ दिन बाद ही क्लियर होगा। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी है इस बार, तो जातिगण समीकरण जो ओबीसी वोट बैंक है वो किस ओर करवट लेता है वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, अभी कुछ स्थिति क्लियर नहीं है। क्या माहौल लग रहा है इस बार मैहर में चुनाव का? अभी कोई कुछ खास वो नहीं है, अभी समझ में नहीं आ रहा, 2-3 दिन जब वोट डालने के बह जाएंगे जब भी समझ में आएगा। अच्छा काम, क्योंकि जो विधायक थे यहाँ उन्होंने नई पार्टी बना ली है अपनी, और जो पहले कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए हैं, वो तो ठीक है, देखिए जनता चुने, जनता काम है, जनता क्या कर रही है। व्यापारियों की कोई समस्या जो यहाँ पर आप चाहते हैं दूर हो?
अरे होगा, यहाँ समस्या क्या है भैया, समस्या तो हमें बनी रहती है, हमेशा परिवार है, समस्या है, ये तो हरदम रहता है। चलिए और लोग भी हैं, उनसे भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए लगातार जो दुकानदार हैं वो भी लगे हुए हैं। सर क्या माहौल है इस बार मैयर का चुनाव में? अभी तो क्या ना, कैंडिडेट तो क्लियर हुए नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। अच्छा, व्यापारियों की कुछ समस्या जो वो चाहते हैं दूर हो? समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, निपटना आदमी को स्वयं पड़ता है, ऐसा नहीं है कोई भी नेता काम नहीं करता, कोई भी होगा। तो ये थी यहाँ पर व्यापारियों की बात, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि पार्किंग और थोड़ा सा व्यवस्था चीजों में बेहतर हो तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उन्हें मिलेगा। मध्य प्रदेश चुनाव में महिला मतदाताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिला वोटर क्या राय रखती हैं? हमारी टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर उनके मूड को भी जाना। तो मैयर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करते हैं। ये माँ शारदा की नगरी है, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है मैयर में? हाँ, मैयर के सुरक्षा, मैयर के रहने वाले हैं, मैयर के नगरी है। विकास कैसा हुआ यहाँ पर? यहाँ पे विकास तो सही है, सही चल रहा है यहाँ। लाडली बहना का लाभ मिला? हाँ मिला, हम ठीक मिलता है, पेंसिल के साथ मिलता है जुड़ के, पहले मिलता था 600 रुपए, अब 400 रुपए जुड़ के 1000 मिलता है। 1000 रुपए मिलते हैं? हाँ 1000। इससे आपके जीवन में कुछ फायदा हो रहा है? अरे होगा फायदा, अब वही नून तेल लकड़ी के चलता है, वही खाने पीने के लिए, ऐसे की कमा दमा तो रहे नहीं। अरे चुनाव में क्या माहौल लग रहा है, ये जो योजना आई इससे महिलाओं में कितना फायदा होगा? होगा फायदा, अब होता जाऊ ना तो अपन कमा धमात मनाई, कुछ दई दिन सरकार अपन वहाँ खा कमा रहा मनाई। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा कोई लाडली बहना या इस तरह का कोई लाभ मिला भी योजना का सरकार? अभी नहीं मिलो, हमको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला, एक ही हमारे भैया न लैटरिंग है, न रहने के झोपड़ी में रहते हैं, न हमारा आवास का पैसा आया, न कुछ का पैसा नहीं आया हमारा, हमारा एक तो लड़का है बेरोजगार, न हमारे खेती न बाड़ी कुछ नहीं, वही लड़का जो कमाया वही उसी में लड़का गुजर करता, उसमें एक तो झपड़िया तक नहीं है रहने के लिए हमारे, हमारे नहीं है कुछ, न घर न दुआ न ना का पेंसिल नहीं मिला, वह पेंसिल 600 मिला थी, 1000 न लाडली बहन न कछु नहीं मिला हमें। फॉर्म वॉर्म भरे गए थे आपके? जी। उसके बाद क्या बोला, रिजेक्ट कर दिए? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल रिजेक्ट, साहब ले जाते हैं यहाँ से और बोलेंगे कि हो जाएगा, होता है कुछ नहीं होता। तो फिर इस बार चुनाव में किसका माहौल लग रहा है, किसी पे विश्वास है पार्टी पर? हमको है भैया, हमको जो कोई हमारी सहायता करेगा हम उसी को वोट देंगे। अपना अपना कम है, काम है ना अपना, जब बताओ कि वोट तो हम दे। देखिए कुछ और लोग भी हैं और महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं, अच्छी बात है। अम्मा ये काम कब से कर रहे हो आप? हमें 20 साल हो गए। इससे रोजगार चल जाता है ठीक ठाक? चल जाता है। एक बात बताओ, सरकार एक योजना ले गई है लाडली बहना, उसका लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है ये। उस योजना से कितना फायदा हुआ? होगा खर्चा, हुआ खर्चा चला अपना। तो इस बार चुनाव में वोट किसको कर रहे हैं? अब देखो जिसकी किस्मत होगी। और भी घर में लोग हैं, उनको भी फायदा मिल रहा है कैसी योजना का? हाँ सबको मिल रहा है। देखिए अम्मा यहाँ सब्जी खरीद रही थी, अम्मा से भी पूछते हैं, अम्मा आपको भी कोई फायदा मिला सरकार की योजना? हमको कोई नहीं, 600 रुपए आता है विधवा पेंशन। हाँ क्या चाहते हैं सरकार से? अब क्या चाहेंगे, न खेती है न बाड़ी है, कौन खर्चा चल जाता है, यही बताइए आप। आपको भी लाडली बहना का लाभ मिलना चाहिए। यह है कि देखो बेटा, अब हमारे सब कोई बोल रहा कि गरीब हो तुम, तो उम्र है तुमको तो नहीं मिल पाएगा, अब मिलता है नहीं मिलता, परमात्मा जाने कि क्या हो रहा है आगे हमें। पेंशन 600 रुपया, अब देखो खेती नहीं, कमाने वाला कोई नहीं है ना, 600 रुपया, अब एक बच्ची तो अपने घर दौर के लड़का भी खत्म हो गया, 6 माह हो गए, मतलब 22 साल हो गए खत्म भाई हमारे घर में, अगर वो जो 600 से पहले जोर से मिलती रही, जोर से बढ़ते बढ़ते 600 हो गई, हमारी बच्ची भी भरी थी फार्म, लाडली बहन के धीधरी है वो, नहीं मिला उन्हें भी। एक माह का भी आया है 1200 रुपया। और भी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, आप कब से काम कर रही हैं? थोड़े दिन से, मैंने अब हो गया एक्सीडेंट था, कुछ धंधा पानी नहीं आए। अच्छा सरकार लाडली बहना योजना चला रही है, उसका लाभ मिल रहा है? हाँ। उससे कितनी मदद महिलाओं की हो रही?
बहुत से हो रही है। तो ये बताइए चुनाव में फिर किसका माहौल नजर आ रहा है इस बार, जो महिलाएं हैं वो किस में अपना भविष्य ज्यादा देख रही? वोट तो वहीन में देंगे। किसको दोगे? जहाँ पैसा मिलता है। मैयर का कटरा बाजार है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो दुकानें लगाती हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अम्मा किस चीज की दुकान लगा रखी? पान की दुकान लगा रखे हैं। अच्छा, जब ये काम शुरू किया कोई सरकार की योजना का लाभ मिला? नहीं मिला है। अभी एक योजना है लाडली बहना, उसका लाभ मिला? हाँ। कितने पैसे मिल रहे हैं? 1000 तो डाला थे। उसके अलावा सिलेंडर भी बोला था लाडली बहनों के लिए कम करेंगे, हुआ? नहीं हुआ। एक बार मिला था। अच्छा एक बात बताइए कि इस बार जब चुनाव चल रहा है तो ये योजना कितना फायदा पहुंचा रही है महिलाओं को, और इससे क्या बीजेपी के पक्ष में कुछ माहौल दिख रहा है? हालांकि कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि वो भी सरकार में आएंगे तो और बढ़ाएंगे इसको, तो महिलाओं के मन में क्या है? पता नहीं, हम अपने तो जाने दे कि हम कमल को देंगे। अच्छा, कमल को देंगे। मतलब इस योजना ने फायदा किया महिलाओं? हाँ, 1000 डालता है बस। वो मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले महिलाओं को 10-20 रुपए खर्च करने के लिए भी आदमी को देखना पड़ता था, वो समस्या दूर हो गई क्या? हाँ। मैहर की पहचान आज भी माँ शारदा देवी धाम तीर्थ से है, जिसे लोक बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसके बनने से जहाँ एक ओर कई लोगों को अपने काम धंधे और दुकानें टूटने की चिंता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ इसके फायदे गिना रहे हैं। देखिए, मैहर की पहचान है माँ शारदा देवी से, और जो बड़ा रोजगार का साधन है वो भी इसकी वजह से बनता है। जो लोग मंदिर के आसपास दुकानें लगाते हैं उनको क्या अपेक्षा है इस चुनाव से, और अभी उनका रोजगार कैसा चल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये आसपास आप दुकानें भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो यहाँ दुकान लगाते हैं। भाई साहब, कब से दुकान लगा रहे हैं आप? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए जी। तो क्या बदलाव दिखा, क्योंकि कॉरिडोर की भी बात हो रही है मैहर में, विकास हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल हो रहा है, विकास हो रहा है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के लाडली बहना मामा जी जो हमारे हैं वो भी अभी आए थे, और उन्होंने यहाँ पे निर्माण के लिए काफी सारी घोषणाएं की हैं, और पहले से ही बहुत सारे बदलाव हुए यहाँ पे जी। तो जो मंदिर का विकास कार्य की बात कही जा रही है अब, तो उससे फायदा होगा यहाँ के लोगों को? जी बिल्कुल होगा, और बहुत सी जब डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा तो बहुत से बेरोजगार लोग भी हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, और माता रानी के मंदिर से तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी गरीब परिवार का पेट पल रहा है हर किसी का। अच्छा, चुनावी माहौल क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि सब पहले तो माँ शारदा के पास आते हैं, यहाँ पर मत्था टेकते हैं, उसके बाद लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप लोग तो माहौल देख रहे होंगे, क्या माहौल है इस बार? देखिए, यहाँ पे तो हमेशा से ही बीजेपी का ही रहा है, और माहौल तो उन्हीं का लग रहा है अभी तक। अच्छा भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव? अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो विधायक थे यहाँ के नारायण त्रिपाठी, हालांकि उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, लेकिन वो चुनाव तो लड़ रहे हैं, उन्होंने काम वाम किया नहीं? बिल्कुल किया। बाकी मंदिर की जो डेवलपमेंट की बात कही जा रही है उससे आप लोगों को कितना फायदा होगा? हाँ, फायदा काफी हो रहा है और आगे भी मिलेगा फायदा। और कुछ चाहते हैं जो आपकी कुछ अपेक्षा हो सरकार से, जो इस चुनाव में मुद्दा बने और वो पूरी हो? देखिए, चुनाव से तो हमें कोई फायदा तो है नहीं है, है ना? अब ये है कि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अब आगे देखिए कौन किसके भाग्य में क्या है, कौन आता है कौन नहीं आता है, और बाकी तो माई की इच्छा है। अच्छा ये बताइए, चुनाव आ रहा है, क्या माहौल नजर आ रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो पूर्व विधायक थे उन्होंने काम किया आपके लिए? पूर्व विधायक भी सही हैं और वर्तमान भी, देखिए अब किसका वो होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं मंदिर को लेकर भी हुई है, इससे क्या आपको फायदा होगा नुकसान होगा? क्या कहा जाए, इसमें नुकसान भी हो सकता है, दुकानें टूटेगी तो नुकसान भी होगा। इसको लेकर कुछ आश्वासन मिला है कि दुकानदारों का कोई अहित नहीं होगा? नहीं, अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला था, तो कोई भी हम लोगों के उसमें विकास की बातें हैं, लेकिन एक लोगों के अंदर डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो दुकान है जो हम यहाँ सालों से लगा रहे हैं उसको ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, तो एक डर भी लोगों के अंदर यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन वोटर बहुत साइलेंट है यहाँ पर, और ये जो साइलेंट वोटर होता है किसके पक्ष में जाएगा ये चुनाव में बड़ा दिलचस्प रहता है, क्योंकि एक अंदर की जो हवा रहती है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही जब भी कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करता है तो माँ शारदा देवी के दर पर माथा टेकना नहीं भूलता है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी माँ के द्वार पहुँचे और उनका आशीर्वाद लिया। किसको आशीर्वाद मिल रहा है मैयर? मैयर में मैयर
माता जी का आशीर्वाद ग्रहण करके मुझे पूर्ण आशीर्वाद पूर्ण विश्वास है कि मैयर में केवल नहीं, विंद में केवल नहीं, लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। और नारायण त्रिपाठी का कोई स्कोप देख रहे हैं क्योंकि पहले बीजेपी में? मैं व्यक्तिगत लोगों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारी सरकार विकास की सरकार है, प्रगति की सरकार है। हमने करके दिखाया है, हम बातें नहीं करते, जमीन पर हम कार्य करते। बीजेपी की ओर से इस बार श्रीकांत चतुर्वेदी को मैदान में उतारा गया है, जिन्होंने भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। मैयर से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है इस बार मैयर में? ये मैं तो प्रत्याशी हूँ, मेरा तो माहौल अच्छा ही लगेगा। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो आपको मैयर क्षेत्र की जनता बताएगी कि मैयर में भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल है। अच्छा, जो पूर्व विधायक या अभी विधायक हैं यहाँ से, नारायण त्रिपाठी, उन्होंने नई पार्टी बना ली है, इसके अलावा कांग्रेस से भी हैं, आप तो कांग्रेस से ही आए, तो त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है कि टफ फाइट है? देखिए, अब तो पहली बात वो विधायक नहीं रह गए, विधायक थे और चार बार के विधायक हैं, लेकिन चार बार के विधायक रहते हुए मैहर में उन्होंने क्या किया, या आप मैहर में घूमे होंगे तो आप मैहर में दिखा होगा। तो आपका क्या विजन है अब अगले 5 साल के लिए? भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमको ग्राउंड लेवल तक लेके जाना है और जनता को बता रहे हैं। उसी का आज परिणाम था कि मात्र 12 घंटे के अंदर अंदर हमको 12 घंटे के पहले प्रोग्राम, पहले 3 तारीख था, इसके बाद 2 तारीख हो गया, इसके बावजूद भी सुबह 10 बजे किस तरह का सलाव था आपने देखा है, और मैं समझता हूँ उस समय मेरी नजर पड़ी आप यहीं पे थे, तो सुबह 10 बजे का सलाव आपने देखा, उससे आपको अनुमान लगाना चाहिए कि मैहर की जनता का मूड क्या है। ये बाकी माँ शारदा की नगरी है, तो यहाँ के बहुत सारे लोग आते हैं, तो रोजगार से वो जुड़े और ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उसके बारे में कुछ सोचा है? मैहर में 15 साल से विधायक तो सामने वाले थे, अब 15 साल में मैहर में कितने बड़े रोजगारों, जब चुनाव हो जाता है तो वहां पर बाहर बोर्ड में टांग दिया जाता है कृपया मेरे से रोजगार संबंधित चर्चा न करें, और जब चुनाव आता है तो रोजगार की बात करते हैं, मैं आपको रोजगार दिलाऊंगा, तो ये चर्चा का विषय तो सामने वाले का है। अभी तो मैं पहली बार यहां पे आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का स्नेह है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का स्नेह है, और 100% भारतीय जनता पार्टी को रिजल्ट मिलेगा यहां पे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिंद संभाग के मैहर की तस्वीर बदलने का ख्वाब देखना कितना सच होता है, लेकिन यहां की जनता को अच्छी तरह पता है कि ये चुनावी जुमला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये थे मैहर के मुद्दे। जनता बहुत सारे मुद्दे लेकर मन बना चुकी है, हालांकि वो किसके फेवर में जाती है ये तो 3 तारीख को साफ होगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि जनता के आशीर्वाद के साथ साथ मां शारदा देवी को जिसका आशीर्वाद मिलेगा, चुनाव में जीत उसी की होगी, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता हो सबसे पहले हाजिरी यहीं लगाता है, उसी के बाद मैहर में वो जनता के बीच जाता है। तो देखना है कि जनता और मां शारदा का आशीर्वाद मैहर से इस बार किसको मिलता है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं लोकेंद्र त्यागी, न्यूज स्टेट मैहर।